स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे उन बच्चों के लिए हम नंबर्स एंड नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ा रहे थे, और उसमें यह हमारी लगभग छठवीं वीडियो है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लाए हुए हैं, जो क्वेश्चन अभी तक नहीं खत्म हुए थे उनको हम आज यहाँ पे लाए हैं क्वेश्चन हल करने के लिए, और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से हल होता है। कि एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला, वह पैदल कितना चला। चूंकि बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है कि 47 सही 2 1/2 किलोमीटर, तो यानी टोटल डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, तय कर रहा है कितना, टोटल डिस्टेंस हमारी तय कर रहा है कितना चल रहा है, टोटल डिस्टेंस हमारी तय कर रहा है 47 सही 1/2 किलोमीटर। तो चूंकि इसको हम प्रॉपर भिन्न में बदलेंगे तो 47 दूनी 94 एक 95, 95/2 किलोमीटर, ठीक। वह दिन भर वो टोटल चलता है 95/2 किलोमीटर चलता है। वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से चलता है, तो इसको भी प्रॉपर तरीके से बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 29 * 87 1/88/3 किलोमीटर। वह क्या करता है, स्कूटर से चलता है, प्लस क्या करता है, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से चलता है। तो 8 सही 5/6 को हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर भिन्न में, तो ये हो जाएगा 6/48, 48 × 5 = 53, 53/6 किलोमीटर, ये हो गया। अब कह रहा है शेष पैदल वह चलता है, और वह पैदल कितना चला यही चीज पूछ रहा है। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई ये चला है, ये चला है और प्लस पैदल चला है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, इसके बराबर रहेगी। तो पैदल पूछ रहा है कितना चला है, तो इसमें से हम इसको जो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो पैदल कितना चला है बच्चे। तो यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 6 का, तो एलसीएम हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6, 88 × 2 = 176 धन, 6 + 6 ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 53 और 176 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 229/6 किलोमीटर। ये दोनों साइकिल से और स्कूटर से जब चलते हैं तो 229/6 किलोमीटर तय करते हैं, और शेष बचा अभी पैदल चलना बाकी है जो कि पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जितना चल रहा है उसमें से ये वाली डिस्टेंस घटा देंगे, इन दोनों को जोड़े जो है वो घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह साइकिल से कितना चला है। तो 229/6, अब इसका एलसीएम लेंगे 6 और 2 का, तो एलसीएम बच्चे 6 आएगा, 2 * 3 = 6, 95 * 3 = कितना हो जाएगा, 5 * 3 = 15, 5 * 2 = 27, 3 * 9 = 27, 27 * 1 = 28, 285 - 229, और ये आ जाएगा 285 में से 229 जाएगा बच्चे क्या आएगा, 56, 56/6। अब चूंकि ये 2 से कट जाएगा तो 2 * 3 = 6 और ये हो जाएगा 28 * 2 = 56, और इसको क्या कर सकते हैं फिर 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 * 9 = 27, 1 = 9 = 1/3 किलोमीटर। वह क्या करता है, पैदल चलता है, 9 = 1/3 किलोमीटर पैदल चलता, इतना कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, और यह क्वेश्चन क्या हुआ, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दे रहा है कि वह कितना दूरी वह तय करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। दिया है कि एक आयताकार भूखंड जिसकी बीमाएं 100 मीटर × 80 मीटर है के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। चूंकि यहां पे दिया है 3 बार, इस आयताकार जो भूखंड है इसको 3 बार लपेटना है, जो भी तार मिलेगा उसको 3 बार वो लपेटेगा। तो अब यहां पे क्या करेंगे चीजें, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई हमने क्या मान लिया, इसकी लंबाई 100 मीटर है, इसकी चौड़ाई 80 मीटर है। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है, 100 मीटर है बच्चे, ठीक। और आयताकार भूखंड की कंडीशन क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर यह लंबाई इसकी है 100 मीटर है तो यह भी लंबाई इसकी 100 मीटर हो जाएगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पे भी ये भी लंबाई, ये भी जो चौड़ाई इसकी है, सामने की भुजा ये भी है, तो ये भी बराबर होगी। तो अगर ये 80 दिया हुआ है तो ये भी 80 हो जाएगा ना, ये वाला 80 हो जाएगा कि नहीं,
अब कह रहा है बच्चे कि चारों ओर तीन बार बाड़ लगाना है। तो पहले हम एक बार लगाकर देख लेते हैं कि किस तरह से लगता है। अब यहां से तार लगाना शुरू करते हैं, तो यहां से अगर वहां यहां तक जा रहा है तो इसका मतलब 100 मीटर तार यहां लगा रहा है, फिर 80 मीटर यहां आ रहा है, फिर 100 मीटर आ रहा है, फिर 80 मीटर आ रहा है। तो इसका मतलब चारों भुजाओं की लंबाई को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एक बार लपेटने में उसको कितना तार लग रहा है। तो चूंकि तीन बार लपेटना है तो जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, तीन का गुणा कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि तीन बार लपेटने में उस आयताकार खेत को लपेटने में कितना तार हमको खर्च लग, कितना खर्च होगा तार। तो अब यहाँ पे चूंकि दिया बताया जाता है बच्चे, तो यहाँ पे हमारा निकल के क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो, या आयताकार खेत का क्षेत्रफल पूछ दिया तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, अरे सॉरी, आयताकार खेत का परिमाप, आयताकार खेत का परिमाप क्या निकल आ रहा है यहाँ से। जैसे हमने क्या बताया कि चारों भुजाओं की लंबाई को नाप लीजिए, तो ये क्या होगा, माप ही कर रहे हैं ना, परिमाप मतलब पूरा माप कर ले रहे हैं। तो आयताकार खेत का परिमाप का मतलब क्या आएगा, सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल, सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल, लंबाई का योगफल, ये चीज है हमारी, ठीक। ये हमारा फार्मूला बनता है, यहीं से फार्मूला हमारा बन के तैयार होता है कि आयताकार खेत अगर है, आयताकार खेत भी हो सकता है, आयताकार संदूक भी हो सकता है, कुछ भी आयताकार घर भी हो सकता है, कुछ भी आयताकार जिसकी लंबाई बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर होती है। जैसे लंबाई क्या है, आमने सामने की लंबाई बराबर होगी, चौड़ाई में आमने सामने की लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है कि 100 मीटर इनकी लंबाई है, 80 मीटर इनकी चौड़ाई है। तो अब यहाँ से इनकी चारों भुजाओं को नाप लेते हैं, तो चूंकि यहाँ से अगर चलते हैं तो 100 मीटर होता है, यहाँ 80 हो जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ पे आने में 180 लगा, फिर यहाँ पे आए तो 280 हो जाएगा, फिर यहाँ तक आए तो कितना हो जाएगा, 280 में 80 जोड़ देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा हमारा, 360 हो जाएगा ना। सभी भुजाओं को जोड़ दें तो यही ना हम जोड़ रहे हैं, 100 धन 100 धन 80 धन 80, यही जोड़ रहे हैं, तो बराबर 360 आ जा रहा है हमारा, 360 मीटर आ जा रहा है कि नहीं। अगर हमसे पूछ दिया जाता कि एक बार लपेटने में उसको कितना तार खर्च होगा, तो एक बार लपेटेंगे तो हमारा 360 मीटर खर्च होगा। अब चूंकि तीन बार लपेटना है बच्चे, तो 360 में क्या करेंगे, तीन का गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 36 × 108 मीटर, और एक सुनना है 180, यानी 1080 मीटर, ठीक, तार की हमको आवश्यकता पड़ेगी इस आयताकार खेत को, या भूखंड, जो भूखंड दिया हुआ है इसको तार से लपेटना हो तो तीन बार लपेटना हो तो हमें कितना तार की आवश्यकता पड़ेगी, 1080 मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। और एक और चीज़, हाँ बताना चीज़ भूल गया, हालांकि कक्षा 5 की किताब में ये चीज़ नहीं दी हुई है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ देता है कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल बच्चे लिख लेना जानकारी के लिए, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई के होता है, ठीक। अगर बाई चांस आपसे पूछ दिया कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो सकता है, इस भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 100 × 80 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक। जब पढ़ाएंगे इसमें मेंसुरेशन में तो इसको पूरा कंप्लीटली हम बताएंगे, और बाकी इतना जानकारी के लिए आपके बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं, उसी कार्य को 6 पुरुष अथवा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे बच्चे 12 पुरुष अथवा है, 12 पुरुष अथवा दिया हुआ है, तो 12 पुरुष अथवा का मतलब क्या हुआ, या तो 12 पुरुष काम कर रहे हैं या तो 15 औरतें काम कर रही हैं और कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर ले रही हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के लिए इसका मतलब क्या होता है, m1 × d1 बराबर m2 × d2, ठीक। इसका मतलब हम बता रहे हैं अभी आपको, ये फार्मूला होता है, M1 का मतलब होता है पुरुषों की संख्या से जो भी संख्या दी हुई है,
नंबर दिया हुआ है, या महिलाओं की संख्या दी हुई है, पुरुषों की संख्या दी हुई है, बच्चों की संख्या, जो भी चीजें हुई हैं। और D1 का मतलब हो गया डेज से, क्या हो गया, दिनों की संख्या से। D1 का मतलब क्या हुआ, दिनों की संख्या से। पहला काम अगर वो कर रहा है तो कितना, ये D1 का मतलब पहले काम से कितना काम लग रहा है, दिन की संख्या पूछ रहा है। और M2 का मतलब हो जाएगा फिर वही मेन या वुमेन या चिल्ड्रेन जो भी पूछ दिया जाए, और पुरुष पूछ दिया जाए या महिलाएं पूछ दिया जाए या बच्चे पूछ दिया जाए, बताया जाए, तो उसमें M2 क्या डिनोट करता है, उनकी संख्या को डिनोट करता है। और D2 क्या है, फिर उनके दिनों की संख्या को, डेज को डिनोट करता है, बताता है। यह दूसरी बार पूछ रहा है कि अगर दूसरी बार अगर कितने पुरुष रहे या महिला रहे या बच्चे रहे तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यह दूसरी कंडीशन दिया हुआ है। ठीक, तो बच्चे यहां से हम करते हैं, यहां से अब हम सॉल्व करते हैं। हमने बताया यहां पे कि यह कैसे होगा और यह क्यों शुरू हुआ, इसको हम क्यों बताए हैं, यह भी इसकी वजह भी है। इसकी वजह यह है कि हमने बताया था एक वीडियो में भी, वीडियो में बताया भी है, आप वर्क एंड टाइम में पढ़ेंगे तो अगर बता रहा है कि अगर हम कोई काम करते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम 5 आम पर डे के हिसाब से खाते हैं तो 10 दिन में कितना खाएंगे, तो भाई हम 50 आम खाएंगे। उसी तरह 12 पुरुष और 15 या जो भी दिया है 12 पुरुष या 15 औरतें किसी काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा बच्चे। ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जा रहा है, ये क्या रहा है, वर्क है पूरा। और दोनों भाई वर्क बराबर है इसलिए इसको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, गुणा कर दिया है, यहां से हमने क्या किया, गुणा कर लिया। ठीक, हमें टोटल वर्क पता चल गया। अब हल करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, 12 पुरुष अथवा 15 औरतें। तो 12 पुरुष का मतलब हम पुरुष को मान लेते हैं मेन और वुमेन को मान लेते हैं, अरे औरतों को मान लेते हैं, वुमेन हम मान लेते हैं आसान करने के लिए, तो ये वुमेन हो गई। ठीक, 12 मेन बराबर 15 वुमेन दिया हुआ है, तो एक मेन बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, एक मेन बराबर हो जाएगा 15/12 वुमेन के। ठीक, अब यहां से हो जाएगा 3 से कट जाएगा तो 3 5 15 3 4 12 यानी 5/4 वुमेन। अगर पूछ देता है कुछ, इसमें बता रहा है कि एक मेन बराबर क्या है, 5/4 वुमेन के है। हमने क्या किया कि इनको कन्वर्ट कर लिया, अगर हम अपनी जानकारी के लिए देख लिए कि एक वुमेन मेन की जो क्षमता है वह क्या है, 5/4 वुमेन के बराबर है। तो हमने चूंकि वुमेन को कन्वर्ट कर लिया है तो हम क्या करते हैं, यहां से वुमेन को ले लेते हैं, तो 15 औरतें हैं, मेन को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे वुमेन को हमने कन्वर्ट किया है, यहां से हम मेन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं तभी उसी तरह आएगा चीजें, लेकिन हमने वुमेन को कर लिया है तो एक ही चीज को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5/4 वुमेन है तो यहाँ पे हम औरतों को ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 औरतें जो हैं वह किसी कार्य को 21 दिन में करती हैं, तो यहाँ पे संख्या हमने ले लिया, तो D1 की बराबर क्या है, 21 के, 21 है ना। अब चूंकि दिया है कि 6 पुरुष तथा 10 औरतें, यहाँ पे या नहीं दिया अथवा नहीं दिया है, दोनों को ऐड कर लिया है, तो जब दोनों को ऐड कर लिया है तो 6 पुरुष को हम क्या करेंगे, वुमेन में कन्वर्ट कर लेंगे, चूंकि यहाँ पे हमने वुमेन लिया है तो यहाँ पे 6 पुरुष को हम वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चूंकि एक मेन बराबर क्या है, 5/4 वुमेन के यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो 6 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, 6 पुरुष बराबर हो जाएगा बच्चे, 6 मेन बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 × 6 हो जाएगा, 2 × 4 = 6। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, 15/2, यही चीज आ गई ना। अब चूंकि 6 10 औरतों को तो हम लेंगे ही, टोटल अगर यहां पे संख्या दी जाए तो 10 औरतों को तो हम लेंगे ही, 10 औरतें तो होंगी, साथ में 6 पुरुष और भी काम कर रहे हैं, तो 6 पुरुष को हमने किसमें बल परिवर्तित कर लिया है, इतना वुमेन में हमने परिवर्तित कर लिया है, तो यहां पे क्या हो जाएंगी, अब इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो 15/2 हो जाएगा कि नहीं, साथ में ये अगर हम करते हैं, यही पूछा हुआ है क्वेश्चन कि 6 मेन और 10 वुमेन, यही पूछा हुआ है कि उस काम को कितने दिन में करेंगे अगर दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं,
तो हमने 10 वुमेन लिख लिया और 6 मेन को क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया 15/2 वुमेन में। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20 और 15 हो जाएगा 35/2। ये हमारी टोटल संख्या आ गई, ठीक, वुमेन की आ गई या औरतों की संख्या आ गई। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 35/2 और गुणे कितना दिन में करना है ये हमको पता करना है। तो ये हो जाएगा बच्चे D2 के, ठीक। अब यहां से देखिए कट जाएगा, 5 3 15, 5 7 35 और 7 3 21 और D2 बराबर बच्चे क्या हो जाए, ये क्या आ जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा। तो 3 3 9 2 18 और ये D2 बराबर आ गया है। तो 18 क्या है, दिनों की संख्या है, ये 18 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। कितना समय लगेगा इसको, 18 दिनों का समय लगेगा। यहां से चीजें क्लियर हो गई, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा बैक करके इसको देख लीजिएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दस पुरुष अथवा 12 औरतें, हाँ देखिए एक टाइप का क्वेश्चन इसी में, यह हमको लग रहा है कि 2017 में आया हुआ पेपर हुआ है, 2017 में आया हुआ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में यह क्वेश्चन है दिया हुआ है कि वह 18 में आया हुआ था या 17 में आया हुआ है, मतलब 2 साल लगातार यह क्वेश्चन पूछा है इस टाइप का। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क एंड टाइम का भी क्वेश्चन पूछता है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का। तो हमको जानने की जरूरत है कि कैसे यह लगता है, हमने बताया भी पिछले क्वेश्चन को। तो 10 पुरुष अथवा 12 औरतें एक कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं, वही कार्य 10 पुरुष अथवा 6 औरतें मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब बच्चे दिया है कि 10, अब यहाँ पे भी हम वही चीजें फॉलो कर लेते हैं कि पुरुष को हमने मान लिया मेन में और यहाँ पे दिया हुआ अथवा का मतलब या है, तो यानी 10 मेन बराबर हो जाएगा 12 वुमेन के, हो जाएगा कि नहीं भाई। 10 पुरुष कार्य कर रहे हैं 21 दिन में या तो 12 औरतें काम कर रही हैं 21 दिन में, तो 10 मेन बराबर 12 वुमेन हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम मेन को कन्वर्ट कर लेते हैं कि एक मेन बराबर क्या हो जाएगा 12/10 वुमेन के। अब ये कट जाएगा 2 6 12 2 5 10 यानी 6/5 वुमेन के, एक मेन बराबर क्या आ गया 6/5 वुमेन के आ गया। अब कह रहा है कि 10 पुरुष तथा 6 औरतें, तो 10 पुरुष तथा 6 औरतें उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, 6 औरतें यही दिया हुआ है ना, पूछ रहा है कि कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। तो अब चूंकि यहां से हम क्या कर सकते हैं, मेन को बदल दे रहे हैं कि वुमेन में हम बदल दे रहे हैं, तो 6 का मतलब क्या हो गया, 6 गुणे, अब यहां पे हो जाएगा बच्चे पुरुष को हमने बदल दिया तो यह आ जाएगा 6 गुणे 6/5 अब 6 औरतें यहां ऑलरेडी हुई हैं, लिखा हुआ है, इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है चूंकि हमने मेन को बदल दिया है, वुमेन में हमने बदल दिया है। तो अब यहां पे पूछ रहा है कितना हो जाएगा, 6 6 36/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 30 यानी हो जाएगा 66/5। ये हमारा टोटल संख्या वुमेन की आ गई जो W2 है, अरे सॉरी M1 है, ठीक ना, तो M2 है। तो यह हमने यहां पे बताया था ना, M1 × D1 = M2 × D2 के, ठीक। अब M1 का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि M1 का मतलब है 12 औरतों को हमने ले लिया और D1 कितना है 21 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और M2 क्या हमने निकाला 66/5 दिन निकाल लिया, ठीक ना, यही चीज निकाला हमारा ना। हाँ तो सॉरी, यहां 10 औरतें हैं, 10 पुरुष हैं, यहां 10 पुरुष हैं, तो 10 पुरुष हैं, तो यहाँ पे हम परिवर्तित करेंगे, हमने गलत लिख दिया था क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 10 पुरुष है, ठीक। तो 10 पुरुष को अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 × 6/5 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 10 तो यहाँ वुमेन हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 6 वुमेन यहाँ पे भी है, तो यानी हो जाएगा 6 × 12 = 6 = 18 वुमेन हो जाएंगी। हमारा क्या आ जाएगा M2 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यहाँ पे हमने 18 लिख लिया और गुड़े D2 पूछ रहा है कि वह कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक। सबसे बड़ी चीज है कि इसको कन्वर्ट करना, इसको कन्वर्ट करना जान लीजिए।
तो फिर यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 6 3 18, 6 2 12 और 3 7 21, ये हो जाएगा डी टू बराबर बच्चे क्या आ जाएगा 7 2 14। 14 दिनों में क्या करेंगे, उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर वो काम करते हैं, 10 पुरुष और 6 औरतें दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करते हैं, तो वह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 14 दिन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्टोर में 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपए में तथा एक सेब को 6 रुपए में बेचता है, यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो वह उसे कितनी राशि देनी होगी। तो बच्चे दिया है कि 5 सेबों का पैकेट है, अगर 5 सेबों का अगर पैकेट रहता है तो वह उसको 25 रुपए में देती है। 5 सेबों का अगर पैकेट है तो वह कितना देती है, 25 रुपए में देती है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है एक सेब वह 6 रुपए में देती है। जब हम फुटकर एक सेब खरीदने जाते हैं तो वह क्या करती है, 6 रुपए में देती है। पूछ कह रही है कि यदि वह 27 सेब खरीदती है तो 27 सेब खरीदती है तो वह उसे कितनी धनराशि देनी होगी। तो चूंकि भाई 27 सेब खरीदती है तो इसमें हम 5 से अगर भाग दे देते हैं तो पता चल जाएगा कि कितना पैकेट है और कितना फुटकर हमको सेब लेना है। तो 5 से भाग देते हैं तो 5 5 25 और शेष कितना बच रहा है बच्चे, 2। 2 सेब हमको अलग से लेना है चूंकि 5 पैकेट तो हमारा हो ही जा रहा है, हो जा रहा है ना भाई। 27 में अगर सेब हम खरीदना है हमको तो 5 5 पैकेट के 5 सेब हो जाएंगे ना, 5 पैकेट मिल जाएगा ना, 5 सेब के 5 पैकेट मिल जाएंगे हमको ना। तो ये हो जाएगा हमारा 25 सेब हमारा यूं ही निकल गया और यहाँ पे हमको 2 सेब अलग से लेना है, ये हो जाएगा हमारा टोटल 27 सेब। तो ये 5 पैकेट है बच्चे, ये क्या है, 5 पैकेट है और 2 सेब अलग से लेना है, गिनती में फुटकर में लेना है। तो एक पैकेट की कीमत कितनी है, 25 रुपए। तो 5 पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 125 रुपए हो जाएगी भाई। इसमें 5 से हम गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे ना, और इसकी कीमत कितनी है, 25 रुपए है, तो 25 5 125 हो जाएगी। अब कह रहा है 2 सेब, 2 सेब की कीमत कितनी है, अब चूंकि एक सेब की कीमत 6 रुपए है तो 2 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 12 रुपए हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो कितना रुपए उसको देना पड़ेगा, तो 125 रुपए तो वह पहले दे रही है 5 पैकेट का और प्लस 12 रुपए फुटकर सेब का दे रही है, तो ये हो जाएगा टोटल 137 रुपए उसको दुकानदार को वह देगी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए। बच्चे दिया है कि काकू है, ठीक, 3 लोग हैं, मान लेते हैं काकू को हम के से बता रहे हैं, बक्सी को हमने बी मान लिया, रमन को हमने मान लिया आर से। कह रहा है कि काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, मान लेते हैं कि काकू एक्स अंक पाता है तो बक्सी कितना अंक पाएगा, एक्स +7 होगा कि नहीं भाई, 7 अंक कम पा रहा है तो भाई हो जाएगा कि नहीं, या ये 7 अंक अधिक पा रहा है, यही मान लेते हैं ये 7 अंक कम पा रहा है या 7 अंक ये अधिक पा रहा है, तो एक्स +7 हो गया। अब कह रहा है जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स +3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 नंबर यह ज्यादा पा रहा है और यह 7 अंक, काकू इससे कम पा रहा है या बक्सी इससे 7 अंक अधिक पा रहा है। ठीक, अब कह रहा है यह कितने अंक के बराबर है, टोटल 76 अंक के बराबर है, यही चीज हुआ ना। तो इनको हम जोड़ लेते हैं, अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमको, एक्स एक्स 2 एक्स 3 एक्स, यह 3 एक्स बराबर बटे धन 7 3 10 बराबर बच्चे आया है 76 दिया ही है, तो 3 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 76 -10 ये जाएगा उधर तो ये घट जाएगा, तो 76 में से 10 जाएगा क्या आएगा, 66। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 66 बटे 3 बराबर ये आ जाएगा 22। यानी काकू को कितना अंक मिला, 22 अंक मिला, और बक्सी को कितना अंक मिला, चूंकि 7 अंक ज्यादा पाया तो 22 7 29 अंक मिला भाई, 7 अंक ज्यादा पाया है ना,
या इससे 7 अंक कम पाया है तो भी देखिए, इससे 7 अंक कम पाया तब भी 22 नंबर हुआ, या इससे 7 नंबर ज्यादा पाया है तो 29 हो गया। अब कह रहा है कि रमन कितना पाया है, अब इससे 3 अंक ज्यादा पाया है तो ये हो जाएगा 25 के। ठीक, अगर हम जोड़ेंगे तो तीनों का योगफल कितना आएगा, 76 आएगा। जोड़ लीजिए 22, 29 और 25, जोड़िए इसको कितना आ रहा है, 9 2 11, 11 5 16, द्वितीय 6 1 7 76। ठीक, अब यहां पे हमें मिल गया, पूछ रहा है कि रमन ने कितने अंक पाए, रमन ने 25 अंक पाए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए, शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी है। बच्चे 14 मीटर 25 सेंटीमीटर का कपड़ा दिया हुआ है, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर का कपड़ा दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पहले जान लेते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है, तो 14 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 14 × 100 कर लेते हैं, यानी 1400 मीटर हो जाएगा, अरे 1400 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 25 सेंटीमीटर है ही, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो टोटल हमारे पास कपड़ा कितना हो जाएगा, 1425 सेंटीमीटर, 1425 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़ा हो गया। इसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया चूंकि मीटर में दिया हुआ था। अब कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काट लिए, तो 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काट लिए तो 75 × 4 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 = 30, यानी 300 सेंटीमीटर कपड़ा उसने क्या किया, काट के निकाल दिया, तो इसमें से 300 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 1125 सेंटीमीटर आपका कपड़ा बच रहा है। अब पूछ रहा है कि शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी है। अब चूंकि यहां पे मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, अब 100 से इसमें भाग दे देंगे, चूंकि दिया 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो 1125 में अगर हम भाग देते हैं 100 से बच्चे, तो क्या आएगा, एक बार जाएगा ये 100 आएगा, बचेगा 12, फिर 5 आ जाएगा, फिर एक बार जाएगा तो हमारे पास कितना होगा, 100 होगा, और कितना बचेगा, 25 सेंटीमीटर यही बच रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास कपड़ा कितना बच रहा है, 11 मीटर 25 सेंटीमीटर, हमारे पास कपड़ा कितना बच रहा है, 11 मीटर 25 सेंटीमीटर या 1125 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो 1125 सेंटीमीटर, मीटर में पूछता है तो 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पांच अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। ठीक, सभी संख कोई हमको अंक नहीं दिया कि उससे संख्याएं बनानी है, वह कहा कि पांच अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हो, तो अब हमारे पास अंक क्या हो सकते हैं बच्चे, देख लेते हैं, तो अंक हमारे पास हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं से हमारा सारा नंबर बनता है। तो कह रहा है कि पांच अंकीय संख्याएं बनानी है और कह रहा है कि उनमें सभी अंक भिन्न हो, दोबारा रिपीटिशन नहीं होना चाहिए किसी नंबर का, तो बड़ा नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से शुरू करेंगे, भाई इससे बड़ी कोई नंबर है नहीं, अंक नहीं है, तो 9, 8, 7, 6, 5, यह 5 अंक का हमारा सबसे बड़ा नंबर बन गया, क्योंकि अगर इसके विपरीत अगर कुछ भी बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो भी नंबर बनेगा वह क्या होगा, 9 से शुरू होगा, और चूंकि नंबर का रिपीटिशन नहीं होना है, भिन्न नंबर लेना है, तो हम क्या करेंगे, सारे बड़े नंबर्स को हम ले लेंगे घटते हुए क्रम में। ठीक, बढ़ते हुए क्रम में क्या ले लेंगे, तो वह छोटा हो जाएगा अंक, अब यहाँ पे हम बढ़ते हुए क्रम में ले ले रहे हैं, तो यह हमारा बड़ा अंक प्राप्त हो गया, यह बड़ी संख्या हो गई हमारी, यह बड़ी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो भाई 0 से शुरू करेंगे तो संख्या बन नहीं पाएगी, तो क्या करते हैं, 1 से शुरू करते हैं और 0 को हम बीच में ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 10, फिर उसके बाद 2, 3, 4, ठीक, यह सबसे छोटी संख्या बन गई, इससे छोटी संख्या इनसे नहीं बन सकती, 5 अंक की तो नहीं हो सकती,
क्योंकि अगर जीरो आगे करेंगे तो वह चार अंकी हो जाएगी, तो पांच अंकी या छोटी संख्या यही बनेगी। तो इसको क्या कर रहा है, इसका अंतर पूछ रहा है, तो इसका अंतर घटा दीजिए, पांच में से चार जाएगा एक, छह में से तीन जाएगा तीन, सात में से दो जाएगा पांच, आठ में से ये आठ हो जाएगा और ये अट्ठाठ हो जाएगा, यानी 88531 वो संख्या है जिनका बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर है। यह छोटी संख्या है, यह बड़ी संख्या है, यानी 88531 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर चार अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के अंक पर हो है। विभिन्न अंकों का प्रयोग करना है, चार अंकीय सबसे छोटी संख्या बनानी है, और इसमें भी देख लेते हैं बच्चे, ऑप्शन से वैसे बनाने को तो बन ही जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में देख लेते हैं कि दिया हुआ है कि सबसे छोटी चार अंक की संख्या, तो चूंकि 1290 यहाँ पे दहाई का अंक है, सब में दहाई का अंक है, तो यहाँ से चीजें तो मिल नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे क्या 1290 यानी 1290 और 1092 दिया हुआ है या 2000, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि यह दो से शुरू हुआ है, तो 2000 है जबकि हमारे पास 1000 से तक की संख्याएं हैं, तो ये तो वैसे भी ये खत्म हो जाएगी, ये बड़ी बड़ी संख्याएं इनसे हैं, तो अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या तो यही है, ये भी कैंसिल हो गई, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 1092। हम ऑप्शन से ही निकाल लिए क्योंकि वह पूछ रहा है चार अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें कंडीशन वह लगाया है कि दहाई के स्थान पर 9 होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे। दिया कि एक मछली टैंक 42 लीटर पानी से पूर्णतया भर जाता है, इसका 5/7 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि टैंक में से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए तो इसे पूर्णतया भरने है तो कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। अब दिया हुआ है कि 42 लीटर का एक टैंक है, जो टैंक है वह कितने लीटर का है, 42 लीटर का है, उसकी क्षमता क्या है 42 लीटर है, इसका 5/7 भाग पानी से भरा हुआ है, तो इसका 5/7 भाग भरा हुआ है तो हमको पता चल जाएगा कि कितना लीटर पानी है। ये मान लेते हैं कि 7×42 = 30, यानी 30 लीटर उसमें क्या है, पानी भरा हुआ है बच्चे मौजूदा समय में, और हमारी टंकी की क्षमता कितनी है 42 लीटर दी हुई है। अब कह रहा है कि यदि टैंक में से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, तो 30 लीटर पानी है तो उसका 1/3 भाग अगर पानी निकाल ले रहे हैं तो कितना पानी निकल जाएगा, 10 लीटर बच्चे पानी निकल जाएगा, 10 लीटर पानी निकल जाएगा, तो इसे पूर्णतया भरने हैं तो कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा, चूंकि भाई 30 लीटर में से 10 लीटर निकल जा रहा है तो हमारे पास कितना पानी बचेगा, 20 लीटर पानी बचेगा, 20 लीटर पानी बचेगा ना, और टंकी को भरना है तो टंकी की क्षमता कितनी है 42 लीटर है, टंकी की क्षमता क्या है 42 लीटर, और मौजूदा स्थिति में 20 लीटर पानी है, कितना पानी आवश्यकता पड़ेगी, ये हो जाएगा 22 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, 42 में से 20 घटा देंगे 22 लीटर आ जाएगा, चूंकि मौजूदा स्थिति में 20 लीटर उस टंकी में पानी ही है तो 22 लीटर और डाल देंगे तो यानी टंकी पूरी फुल हो जाएगी, 22 लीटर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन लग रहा है खत्म हो गए हैं, ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।